Hi, I'm your fan. You can say I'm your trainer KS Chaudhary. Okay, इससे पहले भी आपने मेरी वीडियो बहुत लाइक की है, पसंद की है, सब्सक्राइब की है, एजुकेशनल वीडियो, ठीक है, आप मुझे अपना ट्रेनर भी कह सकते हैं जनरली. तो जो है वो मैन, हमें हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में, कि हम जो है उसको ग्रामर के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग. तो आप सिंपल सी बात है, जब आप हिंदी बोलते हैं, जब आपने हिंदी बोलना सीखा तो उस समय भी आपने जो है वो ग्रामर नहीं सीखी, आपने जो एटमोस्फियर मिला, आपके मदर फादर ने जो लैंग्वेज बोली, जिस भाषा का प्रयोग किया, उस भाषा का प्रयोग करके जो है वो आप बोलना सीख गए. उसी तरह से इंग्लिश के लिए ग्रामर इम्पॉर्टेंट है, पर इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप जो है वो बोलते समय आप ग्रामर का जो है वो ग्रामर पर ही डिपेंड हो जाए, यदि ग्रामर की नॉलेज लें आप, ठीक है. तो ये हिंदी जो है वो इंग्लिश इसके लिए नहीं है इतना कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्रामर इम्पोर्टेंट है. ओके, बाकी ये हिंदी में भी आप लोग जब हिंदी बोलते हैं हम लोग, तो हमें उसमें भी हिंदी का जो है वो ग्रामर का प्रयोग नहीं करते इतना, हम ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं बोलते. यदि ग्रामर अकॉर्डिंग सोचे तो हम जो है बहुत जो है वो गलत बोलते हैं. उसी प्रकार से इंग्लिश को भी जो है सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है. सिंपल तरीके से आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आई प्लस एक्शन फर्स्ट. ओके, कि मैं ये काम करता हूँ तो आई विल डू दिस वर्क. हम इसके साथ आई और वी के साथ ग्रामेटिकल जो है वो शैल का यूज करते हैं. आजकल जो है वो बोलचाल में शैल का प्रयोग काफी कुछ कम हो गया है. सिंपल कहें कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट टॉक टू यू, यू विल नॉट प्ले हियर. ओके, तुम ये काम करोगे, यू विल डू दिस वर्क. ओके, आई विल नॉट डू दिस वर्क, यू विल नॉट प्ले हियर. और गुस्से में कहें कि आई विल बीट यू, आई विल गेट अ टाइट स्लैप. तो दूसरे लोग गुस्से में यू विल, यस यू विल, यस कि आई विल गेट अ टाइट स्लैप. ओके, या तो यू विल गेट अ टाइट स्लैप, यस कि आई विल गेट अ टाइट स्लैप. तो विल का प्रयोग जैसे जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, देऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं करूंगा, तो उस स्थिति में आप जो है वो विल का प्रयोग करेंगे कि वो तुमसे बात नहीं करेगा, ही विल नॉट टॉक टू यू, क्योंकि वो तुमसे बहुत नाराज है, बिकॉज ही इज टू मच एंग्री फ्रॉम यू. ओके, सो विल का प्रयोग हम जो है वो बोलचाल में काफी प्रयोग करते हैं सिंपल तरीके से, क्योंकि तुम मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाओगे, यू विल नॉट टच माई थिंग्स, यू विल नॉट टच माई थिंग्स, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं बोलोगे, यू विल नॉट से एनीथिंग अबाउट नेम, यू विल नॉट टेक माई फादर नेम, यू विल नॉट टेक माई मदर नेम, she will not talk to you, she will not play with you, okay, she will not come today, okay, वो तुमको फोन नहीं करेगा, he will not call to you, you will call to him, he will not call to you, okay, he will not come your home, you will go his home, okay. इस तरह से जो है वो will का प्रयोग करके हम काफी छोटे छोटे sentences का प्रयोग करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. विल का प्रयोग बहुत ही आसान है इसका, ठीक है. कि शी विल नॉट टीच, आज सर नहीं पढ़ाएंगे, टुडे सर विल नॉट टीच. ओके, तुम यहां नहीं बैठोगे, यू विल नॉट सिट हियर, यू विल नॉट सिट हियर, यू विल नॉट गिव अब्यूज टू मी. ओके, इस तरह का सिंपल तरीके से हम विल का प्रयोग करके, इसको हम विल का प्रयोग फ्यूचर सिंपल टेंस में भी करते हैं, ठीक है, जनरली. पर हम बोलचाल में इसको प्रेजेंट की भाषा में भी काफी जो प्रयोग करते हैं विल का प्रयोग. ओके, यू विल नॉट सी मी, यू विल नॉट स्टेयर मी, अदरवाइज आई विल गेट टाइट स्लैप. स्टेयर मींस होता है घूरना, तुम मुझे इस तरह से नहीं घूरोगे. यू विल नॉट स्टेयर मी लाइक दिस, यू विल नॉट वॉच मी, यू विल नॉट वॉच और लुक जस्ट लाइक दैट. ओके, जब वॉच फुल कॉन्सेंट्रेशन हम पूरे ध्यान से देते हैं तो उसमें वॉच यूज करते हैं, लुक और सी जब हमारी निगाह स्टेट नहीं होती, हमारा कॉन्सेंट्रेशन फुल नहीं होता, तो उस में हम वॉचिंग या लुकिंग, और लुक सीइंग व लुकिंग का यूज करते हैं. इस तरह से हम विल का यूज करके जो है वो इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं सिंपल तरीके से, कि मैं ये पैन यूज नहीं करूंगा, आई विल नॉट यूज दिस पैन, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगा, आई विल नॉट वियर दिस ड्रेस. इस तरह से विल का आप यूज करके सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं. और यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइक करें, और यदि और भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपको और भी अच्छी भेजता रहूंगा, जिससे ज्यादा आपको नॉलेज मिलती रहे. धन्यवाद.